हमें आश्वासन नहीं, अब आदेश चाहिए। यह ऐलान सहकारिता कर्मचारियों ने खुलेआम कर दिया है। बता दें कि बालाघाट के काली पुतली चौक के पास अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल में बैठे हुए इन सहकारिता कर्मचारियों ने कहा है कि शासन की उपेक्षा से अब वे डरेंगे नहीं, बल्कि आंदोलन को और आक्रामक करते जाएंगे। 26 फरवरी को आंदोलन स्थल पर लगभग 2 दर्जन आंदोलनरत कर्मचारियों के द्वारा अपने सिर के बाल मुंडवा कर शासन के खिलाफ मोर्चा खोलकर आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। प्रदेशव्यापी इस आंदोलन को बालाघाट में चकाजाम उग्र प्रदर्शन करके शासन को चेताने की बात भी कही जा रही है। चूंकि सरकार आज भी अभी तक भी उसके कानों तक जू नहीं रेंगी है, फिर उनने जो पहले पूर्व में हमसे छलवा किया गया था वही बात फिर से की, और फिर से हमारे प्रतिनिधिमंडल को आहूत करी थी मीटिंग में, जिसमें कोई सार्थक परिणाम नहीं होने से हमारे मध्य प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने उसे बहिष्कृत कर दिया और आगाह किया कि जोर और जोश के साथ फिर से अपने पूरे प्रदेश में अपने अपने जिला मुख्यालय पर हड़ताल रहेगी। आंदोलनरत सहकारिता कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के लिए मंगलवार को संगठन के प्रदेश महासचिव बालाघाट पहुंचे। उन्होंने भी मांग पूरी न होने पर आंदोलन में दमखम से डटे रहने की चेतावनी दी है। मैं लगातार देश के समस्त दौरों पर हूं और दौरों पर देख रहा हूं, कर्मचारियों का अपार सहयोग मुझे मिल रहा है। मैं इसी तरह कर्मचारियों से भी चाहता हूं कि हमारा सहयोग करते रहें, और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, एक बार इनकी वेदनाएं सुन लें, नहीं तो आगे चल के आपकी क्या स्थिति होगी। मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता हूं उस संबंध में, आपको दिख रहा होगा कि आपकी क्या स्थिति है।